गाजियाबाद जिले की रहने वाली पीड़िता स्वाट टीम प्रभारी के रवैये से परेशान है। पीड़िता ने बताया कि स्वाट टीम प्रभारी ने पीड़िता से विवाह कर उसे धोखा दिया है और घर से निकाल दिया है। न्याय की गुहार लगाने पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। ताजनगरी में आशिक मिजाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब आम जनमानस को छोड़ पुलिस विभाग पर आशिक मिजाजी का भूत सवार है। ऐसा ही एक मामला आज SSP कार्यालय में सामने आया है। पीड़िता ने स्वाट टीम प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2009 में पीड़िता की मुलाकात स्वाट टीम प्रभारी से हुई थी और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, जिससे दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हुए। जब पीड़िता ने प्रभारी से शादी का दबाव बनाया तो प्रभारी ने पीड़िता से दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब प्रभारी पर ज्यादा दबाव बना तो वर्ष 2016 में प्रभारी ने, जिससे पीड़िता का एक पुत्र भी पैदा हुआ, तभी से प्रभारी ने पीड़िता से दूरी बना ली। जब पीड़िता प्रभारी के घर अपना हक लेने पहुंची तो पीड़िता को प्रभारी की पहली शादी के बारे में जानकारी हुई। जब पीड़िता ने अपनी ससुराल में रहने का दबाव बनाया तो प्रभारी ने अपना तबादला आगरा करा लिया। जब यह जानकारी पीड़िता को हुई तो वह भी प्रभारी के पीछे पीछे आगरा गई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बस ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे और अपने लिए अधिकार चाहती हूँ और मुझे अधिकार नहीं मिला तो मैं योगी तक जाऊँगी। और अधिकार ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, मैं 2009 से इनके साथ हूँ, ठीक है। और ये मेरे और मेरे बच्चे के स्वाभिमान की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है और एक महिला के सम्मान की लड़ाई है। इसको मैं आगे तक ले जाऊंगी। किस विभाग में तैनात हैं ये स्वाट टीम के प्रभारी हैं। अजय कुमार सिंह, अगर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो अजय कुमार से कैसे आपके संबंध हुए थे, फिलहाल कहाँ पोस्टिंग है और आपको क्या लगता है क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय तो अभी तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, इस वजह से मैं अब दोबारा आई हूँ। मैं यहाँ से गई, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और उसके बाद ये बोला, मैं उसको अपनी पूर्व पत्नी वंदना को मना नहीं पा रहा हूँ और वो कुछ अटेम्प्ट कर सकती है, इस वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अभी दो दिन पहले भी आप मुलाकात करी थी, हाँ, तो क्या हुआ था? उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। जो आप बच्चा लेकर आई हो, ये किस विभाग में तैनात हैं और किस, आप इसे देख लीजिए, चाहिए तो DNA करा लीजिएगा, इसकी शक्ल देख लीजिए आप, अच्छे से पता चल जाएगा किसके औलाद है। अजय किस पोस्टिंग पर हैं और किस विभाग में तैनात हैं, किस पद पर हैं वो इस समय? अजय स्वाट टीम के प्रभारी हैं, आगरा में ही है। देखिए, एक महिला मेरे पास कल आई थी और उसने किसी पर्सन के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी जांच मैंने एक अपने सीनियर अफसर को दी है और जो जांच में जो आउटकम होगा उसके आधार पर कार्रवाई की। एक सेकेंड, देखिए जो जो अगर आरोप कोई लगे हैं तो उसकी जांच हुई होगी, मुझसे कोई पहले मेरे सामने का कोई मैटर नहीं है और अगर कोई आरोप सिद्ध होता तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होती। सर, महिला का आरोप है कि उसको ऑल आउट लाकर मारने का प्रयास किया गया था, ये तो इसमें देखिए जो जो उसके अंदर जो भी आरोप लगाए गए उसकी प्रत्येक दशा में मेरे द्वारा कहा गया है कि मैंने जैसे बताया कि सीनियर अफसर से जांच दी गई है और जांच के आधार पे जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई। फोटोग्राफ्स आपको उपलब्ध कराए गए जिसमें स्वेट प्रभारी उनके साथ में मौजूद है, बच्चे और आपके नाम से बोला गया कि SSP को फोन करके सामान मंगवा लीजिए, राशन, इस तरीके के कुछ फोटोग्राफ आपको उपलब्ध कराए गए? देखिये, मेरे पास कोई इस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया गया है और ना इस तरह की कोई चीज मुझे उपलब्ध कराई गई, ये पूरी तरह झूठ है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब खाकी ने ही महिला उत्पीड़न किया हो। इससे पहले भी एक पीड़िता कप्तान कार्यालय पहुंची थी और सिपाही देवेश पर अपने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन मामला पुलिस से जुड़ा होने के चलते पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि पीड़ित महिला को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक न्याय दिला पाते हैं या फिर यह पीड़िता भी न्याय की गुहार लगाने दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होगी।